सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों अगर आपके पास ओप्पो F7 फोन है तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है ओप्पो F7 के टॉप 13 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले हिडन फीचर की, तो उसका नाम है किड स्पेस। अगर आपके बच्चे आपका फोन बार बार यूज करते रहते हैं और आप उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये फीचर आपके लिए है। दोस्तों किड स्पेस आपको सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी के अंदर मिलेगा, हाँ जी देख सकते हैं आप, और इस फीचर के अंदर आप ड्यूरेशन लगा सकते हैं कि आपके बच्चे कुछ टाइम के लिए ही फोन यूज कर पाए, वो आप अपनी मर्जी से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एप्स भी अलाउड कर सकते हैं कि कौन सी ऐप आपके जो बच्चे हैं वो चलाएं। तो दोस्तों टर्न ऑफ सेलुलर पे क्लिक करने के बाद अगर आपके बच्चे फालतू के ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि वो गेम्स हो गए, कोई भी अनदर ऐप्स हो गई, तो वो ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हम अपने सेकंड फीचर की तरफ, जिसका नाम है स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल आपको सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा जेस्चर एंड मोशंस पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्मार्ट कॉल का। स्मार्ट कॉल दोस्तों बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ऑटो आंसर व्हेन नियर द कॉल। अगर आप चाहते हो कि आपका फोन उठाते ही वो स्पीकर पे चला जाए, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। दोस्तों अगर आपका फोन आता है और अपने आप फोन को ऐसे उल्टा कर देते हो तो आपका फोन म्यूट हो जाता है। तो दोस्तों चलते हम अपने तीसरे फीचर की तरफ, जिसका नाम है क्लोन डुअल एप्स। इस फीचर के अंदर आप दोस्तों दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो मैसेंजर अकाउंट एक साथ एक फोन के अंदर चला सकते हो। जी हाँ, ओप्पो F7 आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दो अकाउंट दिख रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। मैंने अभी इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं करा तो व्हाट्सएप भी आता, और अगर मैं मैसेंजर डाउनलोड करता तो वो भी मुझे यहाँ पे शो करता। तो दोस्तों इस फीचर की मदद से मैं दो व्हाट्सएप या दो इंस्टाग्राम अकाउंट चला सकता हूँ ओप्पो F7 में। तो दोस्तों जो अगला हिडन फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ओप्पो F7 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप कोई भी और काम कर रहे हो, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स मेन्यू पे क्लिक करना होगा, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप अपनी वीडियो रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो, हाई, मीडियम, लो। तो फ्रेंड्स मैंने पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एनेबल कर रखा है। अगर आप ऊपर की तरफ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बारी है पांचवें फीचर की, जिसका नाम है स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स, और ये मिलेगा आपको सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे। स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे जाने के बाद आपको जाना होगा जेस्टर एंड मोशंस पे। यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा स्क्रीन ऑफ जेस्टर। इस पे क्लिक करने के बाद आपको तीन चार ऑप्शन दिख जाते हैं, डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, ड्रो ओ टू स्टार्ट कैमरा, ड्रो वी टू ओपन टॉर्च लाइट, म्यूजिक कंट्रोल। और दोस्तों आप अपने हिसाब से स्क्रीन ऑफ जेस्टर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले जो तीन ऑप्शन है उसे अनेबल कर देता हूँ। तो चलिए अब होम मेन्यू पे चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये फीचर्स कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हो डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन देख रहा है। और दोस्तों अगर मैं बंद स्क्रीन के ऊपर ओ ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो कैमरा है वो लॉन्च हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पर वी ड्रॉ करता हूँ तो फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बारी है सिक्स्थ फीचर की, जिसका नाम है असिस्टिव बॉल। ये फीचर आपको मिलेगा सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, और अब आपको जाना होगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा असिस्टिव बॉल, दोस्तों इसको आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, जेस्टर ऑपरेशंस और दूसरा है टैप मेन्यू। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक आईफोन की तरह एक बॉल बन के आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं सिंगल टैप करूंगा तो बैक हो जाएगा, अगर मैं डबल टैप करूंगा तो मल्टीटास्किंग हो जाएगी, अगर मैं टच करके होल्ड करूंगा तो मैं होम पे पहुंच जाऊंगा। तो चलिए एक बार ही चेक कर लेते हैं। सिंगल टैप करते हैं पहले, देखिए बैक हो गया है, डबल टैप करते हैं मल्टीटास्किंग हो जाती है,
और अगर मैं टैप करके होल्ड करता हूँ तो ये होम मेन्यू पे पहुंच जाता है। सेम दोस्तों जैसे आईफोन के अंदर असिस्टिव बॉल का ऑप्शन होता है वैसे भी यहाँ पे है। तो दोस्तों असिस्टिव बॉल के दूसरे ऑप्शन में जो टैप मेन्यू है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें बैक स्क्रीनशॉट मल्टीटास्किंग लॉक स्क्रीन और होम ये मुझे ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया इसने और यहाँ पे ये होम पे चला गया। अब ये फोन मेरा जो है लॉक हो गया। सेम दोस्तों आईफोन वाला फीचर ही है ये। तो फ्रेंड्स जो अगला फीचर है उसका नाम है 3-finger screenshot। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स मेन्यू पे क्लिक करना है और अब आपको जाना है स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे। उस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा जेस्टर्स एंड मोशंस पे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा 3-finger screenshot, इसको आपको इनेबल करना है। और जैसे ही आप अपनी 3 finger नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट जो है वो खिंच जाता है। तो फ्रेंड्स अब बारी है 8वें फीचर की जिसका नाम है नेविगेशन कीज। तो दोस्तों ये फीचर आपको सेटिंग्स मेन्यू के अंदर स्मार्ट एंड कन्वीनियंट के अंदर ही मिलेगा। सबसे टॉप पे आप देख सकते हो नेविगेशन कीज, इस पे क्लिक करने के बाद आप नेविगेशन कीज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जो अभी नेविगेशन कीज जो चल रही है वो है वर्चुअल कीज नेविगेशन। अगर मैं स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन दिख जाते हैं जिस तरह से मैं नेविगेशन कीज को सेट कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं वो क्या है। इसमें बता रहे हैं अगर मैं लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो वो बैक हो जाएगा, अगर मैं बीच में से ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो वो होम स्क्रीन पे चला जाएगा, अगर मैं ऊपर स्वाइप करके हल्का सा होल्ड करूंगा तो मल्टीटास्किंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस फीचर को करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ, देखिए बैक हो जाता है। अब मैं बीच में से ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ, देखिए होम पे आ जाता है। और दोस्तों अगर मैं अब होल्ड करके ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ तो ये मल्टीटास्किंग का ऑप्शन मुझे दे देता है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको नेविगेशन कीज हाइड करनी है तो। तो दोस्तों चलते हैं अपने 9वें फीचर की तरफ जिसका नाम है प्राइवेट सेव। दोस्तों ये फीचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि अगर आप अपना फोन किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो जनरली दोस्तों कोई भी फोन यूज तो नहीं करता, वो सीधा गैलरी के अंदर जाके आपकी पर्सनल फोटोज या वीडियोस जो है वो देखने लग जाता है। अगर आप भी इन सब चीजों से परेशान है तो ये फीचर आपके लिए है। दोस्तों प्राइवेट सेव को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइवेट सेव का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना एक पासकोड सेट कीजिए 4 डिजिट्स का। और दोस्तों अब आप फोटोज के अंदर जाइए जहाँ पे आपने अपनी फोटोज क्लिक कर रखी हैं, आप अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिए जो आप मूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा एड टू का, एड टू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्राइवेट सेव पे। तो दोस्तों अब आपकी जो पर्सनल फोटोज हैं जिनको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते वो अब आपको प्राइवेट सेव के ऑप्शन के अंदर ही मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 10th फीचर की तरफ जिसका नाम है फुल स्क्रीन मल्टीटास्किंग। दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स मेन्यू पे। सेटिंग्स मेन्यू पे जाने के बाद आपको जाना होगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फुल स्क्रीन मल्टीटास्किंग, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। दोस्तों ये फीचर इनेबल करने के बाद जब भी आप YouTube पे वीडियोस देखें चाहे आप अपने फोन पे वीडियोस देखो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, अगर मैं अब नॉच की तरफ से ऐसे स्वाइप करता हूँ यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख जाते हैं काफी सारे। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकता हूँ किसी को भेज रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्पेस पे आप अपना व्हाट्सएप या मैसेंजर भी लगा सकते हो ताकि आप वीडियो देखते समय चैट भी कर पाओ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 11वें फीचर की तरफ जिसका नाम है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों आपको सेटिंग्स मेन्यू पे एक मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉल का, कॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कॉल रिकॉर्डिंग का। दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर। दोस्तों जब भी अब आपको फोन्स आएंगे तो आपकी जो कॉल्स है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो दोस्तों अब बारी है 2nd लास्ट फीचर की जिसका नाम है फेस रिकॉग्निशन।
ये फीचर दोस्तों आपको सेटिंग्स मेन्यू पे मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासपोर्ट। अब आपको अपना पासपोर्ट डालना है, यहाँ पे आप अपना फेस जो है वो एनरोल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से ही एनरोल कर रखा था। यहाँ पे दोस्तों आप अपना फेस जो है वो एनरोल करना है आपको। दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर अपना फेस दिखाना है, आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर आईफोन एक्स की तरह तो पूरा काम नहीं करता, आईफोन एक्स के अंदर ये फीचर तो बहुत ही पावरफुल है, बट ओप्पो एफ सेवन का ये फीचर अच्छा है। फेस रिकग्निशन बहुत बढ़िया है पर उतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है जितनी ज्यादा आईफोन एक्स की है। दोस्तों इस फीचर में अगर आप चाहते हो आप लॉक स्क्रीन का बटन दबाने के बाद सीधा आप होम मेन्यू पे चले जाएं, ना आपको फिंगरप्रिंट डालना पड़े, ना आपको कोई पासकोड डालना पड़े, ना ही आप अपना फेस रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। और दोस्तों ये मोड आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा डेवलपर ऑप्शंस। इस पे क्लिक करने के बाद एक कैप्चा आता है, वो आपको एंटर करना है। अब दोस्तों इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिख जाता है, डू नॉट यूज लॉक स्क्रीन, इसको आपको इनेबल करना है, एक पासकोड डालना है। अब दोस्तों जब भी आप अपना लॉक बटन दबाओगे आप सीधा होम मेन्यू पे आ जाओगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो टॉप 13 हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ओप्पो F7। बताया दोस्तों वीडियो कैसे लगा। प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल मिस्टर टेकी को बिना सब्सक्राइब किए तो प्लीज मत जाना। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।